हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, चैप्टर सिक्स है और एक्सरसाइज 30 है। और इस चैप्टर में दिया हुआ है डिग्री ऑफ क्लोजनेस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन जो दिया हुआ है, फाइंड द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, डिग्री ऑफ क्लोजनेस निकालने के लिए कह रहा है। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है, तो उसी को हम इसको क्या चीज़ है ये और क्या सीखना है इसमें, इसको क्लियर कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसको बनाते जाएंगे। डिग्री ऑफ क्लोजनेस यहाँ पे लिख दिया है, कॉन्सेप्ट इसका ये है, वन नंबर से ही लिया गया है। यहाँ पे तीन पिक्चर बना हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2/5, 2/4/5। ये जो है फ्रैक्शन, इससे कितना क्लोज है, कितना नज़दीक है। क्लोज मतलब नज़दीक होता है। तो यहाँ पे इस तरह का बनाया हुआ पिक्चर के द्वारा मैं थोड़ा सा बतला दे रहा हूँ, जिस प्रकार से बुक में बतलाया हुआ है। तो 2/5 नीचे का मतलब है कि उतना पार्ट होता है टोटल, तो इसमें टोटल 5 पार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हो गया। और 2 जो है शेडेड है, तो ऊपर वाला जो भाग होता है वो जितना यूज होता है उसको ऊपर में लिखा जाता है। तो यहाँ पे हो गया, इसको 2/5 जो है फिगर में दिखाया गया है, इसका वैल्यू सेम है। उसके बाद एक पार्ट और आगे बढ़ते हैं, मतलब इसमें एक पार्ट और ऐड करते हैं। यहाँ पे एक पार्ट और सेड किए, तो 1, 2, 3 थ्री पार्ट सेड हो गया। तो यहाँ पर इसका वैल्यू है 3/5, ये हो गया एक पार्ट सेड किए। उसके बाद फिर एक पार्ट और सेड करते हैं, तो 1, 2, 3, 4 4 यहाँ तक जाने के लिए कह रहा है, यहाँ तक में कितना क्लोजनेस है, तो यहाँ पे जितना बोल रहा है उतना आ गया 4/5। यहाँ से कितना स्टेप चलना पड़ा, यहाँ से एक स्टेप चले और फिर दो स्टेप चले, तो दो स्टेप चले, तो वही दो स्टेप चलने का जो नंबर है उसी को क्लोजनेस बोलते हैं, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2। तो इसको शॉर्ट में हम क्या कर सकते थे, जैसे कि बुक में बतलाया गया है, यहाँ पे इस तरह से कर सकते थे। वी एड, इसमें जो दिया हुआ है हमारे पास, उसमें हम लोग क्या कर सकते थे, इसमें ऐड कर सकते थे। ये छोटा दिया हुआ है, इसीलिए हो सकता है कि ये इधर दे दे, बड़ा से छोटा दे दे, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और छोटा से बड़ा दिया हुआ है तो हमें ऐड करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे वी ऐड 1/5, 1/5 टू 1/2 जिसमें दिया हुआ है, इसमें 1/5 ऐड करते हैं, क्या मिल जाएगा ये, तो 2/1/5 लिखते हैं, ऐड करते हैं 2/5 में, तो जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसका एलसीएम सेम रहता है, इस तरह से 5 हो जाएगा और ऊपर भी सेम रहेगा, 1/1+2, तो कितना हो गया 3/5। तो यहाँ पे हम पहुँचे, यहाँ पे अभी नहीं पहुँचे हैं, तो एक बार फिर से ऐड करेंगे, अगेन ऐड 1/5 ऐड करेंगे, 2 जितना पे हमको प्राप्त हुआ था इतना मिला है 3/5, तो 3/5 पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 1/5+3/5, तो ये 5 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1+3, तो अब हमको 4/5 मिल गया। कितना स्टेप लेना पड़ा, दो स्टेप लेना पड़ा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। 2 इज डिग्री, ये हो गया इसका आंसर 2 हो जाएगा। लेकिन ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो गया, लॉन्ग प्रोसेस हो गया, और इस तरह से बुक में समझाया हुआ है, इसीलिए मैं आपको बतला दिया कि कम जो कॉन्सेप्ट है जो बतला रहा है उसको आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो है आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इजीली, तो इसके बारे में मैं बतलाता हूँ यहाँ पे। तो सिंपली आप देखें, अगर जो बड़ा फ्रैक्शन है उससे छोटा फ्रैक्शन को माइनस कर दिया जाए तो वो नंबर हमको मिल जाएगा, वो न्यूमरेटर में जो है ऊपर में रहेगा और वही आंसर होगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से बना सकते हैं, ए नंबर का मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे कि बनाना है, ये कॉन्सेप्ट मैंने बतला दिया कि इस तरह से इसको समझना है, इस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ क्वेश्चन, 2/5, 2, 4/5, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर जिसका सेम रहेगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसका सेम नहीं रहेगा उसको सेम करना होगा। तो यहाँ पर ये कितना क्लोज है, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कौन बड़ा है, बड़ा छोटा इसमें इजीली पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं, बतला रहे हैं, जब सेम डिनोमिनेटर हो तो उसके ऊपर जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है, और जिस जो छोटा होता है वही छोटा होता है। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा में से छोटा को करेंगे माइनस, पता चल जाएगा ये बड़ा है, इसको 4/5 - 2/5 इक्वल टू एलसीएम इसका सेम हो जाएगा, 5 रहेगा और ऊपर जितना है उतना ही रहेगा, 4 - 2 इक्वल टू 2/5, ये हो गया। तो 2 जो है ऊपर वाला नंबरेटर जो है वही आंसर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 2
इज डिग्री, ये आंसर हो गया। इसी तरह से बी नंबर का ले लेंगे, बी नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे। सबसे पहले कन्वर्ट, कन्वर्ट इनटू इक्वल डिनोमिनेटर। तो इसको कैसे इक्वल होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 16 और 4 को लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि छोटा नंबर के टेबल में अगर बड़ा नंबर आ जाए तो बड़ा नंबर ही एलसीएम होता है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा 16, ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा। तो हम 16 इसके डिनोमिनेटर जो है उसको दोनों को 16 करेंगे, तो ये ऑलरेडी 16 है तो इसको 16 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 16 बनाने के लिए 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 16 रहेगा, 5/16 हो गया। और इसको 3/4 इनटू इसको 16 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया, 12/16, ये हो गया। एक हमें ये मिला, ये मिला। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर लेंगे, पता कर लेंगे कि कौन बड़ा है, तो बड़ा ये है, क्यों, क्योंकि ऊपर में इसका बड़ा है और यहाँ पे छोटा है, तो बड़ा से छोटा को माइनस करेंगे, तो 12/16 माइनस यहाँ पे 16 होगा, 5/16, तो यहाँ पे 5/16। अब इसको माइनस करेंगे तो इजी है, 16 नीचे में लिखेंगे और ऊपर में जितना है उतना ही लिखेंगे, 12-5 कितना हो गया, 7/16, तो यहाँ पे 7 इज डिग्री, ये आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में इज 1/8 क्लोजर टू 1/2 और 1/4, मतलब 1/8 जो है वो इसके ज़्यादा नज़दीक है या इसके ज़्यादा नज़दीक है, किसके क्लोजर ज़्यादा है, तो दोनों का पहले डिग्री निकालना होगा, इसके साथ पहले इसको निकालेंगे और फिर इसके साथ इसको निकालेंगे, तो जिसमें कम आएगा वही आंसर होगा। तो सारा क्वेश्चन उसी तरह से है, तो यहाँ पे बना लेते हैं, तो 1/8 इसके क्लोजर है तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे। इक्वल डिनोमिनेटर के लिए इन दोनों को एलसीएम लेंगे, और एलसीएम आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 का टेबल में 8 आता है, मतलब एलसीएम इसका 8 आएगा, तो दोनों का डिनोमिनेटर 8 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको 1/8 दिया हुआ है, इसको 8 करने के लिए क्या करेंगे, ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा और आ जाएगा 1/8, जितना है उतना ही आएगा। और इसको 1/2 को क्या करना पड़ेगा, 4 से 4/4, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4/8 इतना आ गया। तो यहाँ पे बड़ा देख रहे हैं हम, बड़ा ये है, इससे हम इसको माइनस करेंगे, 4/8 - 1/8, तो इसका एलसीएम 8 रहेगा, ऊपर में जो है वही रहेगा, कितना आ गया, 3/8, तो इसका मतलब है कि 3 इसका क्लोजनेस, डिग्री ऑफ क्लोजनेस कितना आ गया, 3 इज, ये हो गया। अब दूसरा इसका आगे निकालते हैं, नेक्स्ट वाला, यहाँ पे 1/8 - 1/4, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसको भी डिनोमिनेटर सेम करेंगे, कन्वर्टेड टू इक्वल डिनोमिनेटर। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ देख रहे हैं एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो पता चल रहा है, यहाँ पे देखिए ये इसका टेबल में ये आएगा, तो बड़ा जो नंबर है वही होगा, तो 8 होगा, तो दोनों को 8 डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ऑलरेडी इसमें 8 है ही, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 हो गया, और इसको 1/4 को करना पड़ेगा 2 से, तो यहाँ पे 2/8 हो गया। बड़ा कौन है, बड़ा ये है, क्योंकि ऊपर में इसका बड़ा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2/8 - 1/8 इक्वल टू 8 रहेगा नीचे में, 2 - 1 कितना हो गया, 1/8, तो इसका डिग्री ऑफ क्लोजनेस हो जाएगा 1, तो 1 इज डिग्री। तो यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, ये ज़्यादा बड़ा है, ये ज़्यादा छोटा है, मतलब ज़्यादा क्लोज ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/8 क्लोजर टू, ये है 1/8, और 1/8 किससे बना था, 1/4 से, तो 1/4 क्लोजर टू 1/4, इसके ज़्यादा नज़दीक है, ये आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 3, यहाँ पे ये है 3/8 क्लोजर टू 1/4 और 1/8 इसके ज़्यादा नज़दीक है, तो सेम इसी तरह से बनेगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। इसमें पहले निकालते हैं कितना क्लोजनेस है,
तो यहाँ पे दोनों में सेम नहीं है, तो सेम करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम पता चल ही रहा है, यहाँ 8 एलसीएम होगा, तो दोनों में 8 लाना है नीचे में। तो यहाँ पे 8 लाने के लिए ऑलरेडी यहाँ 8 है, जो 8 है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कितना हो गया 3/8, और जिसमें नहीं है तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2, तो 2/8 हो जाएगा। अब ये बड़ा कौन है, बड़ा ये है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3/8 माइनस 2/8 इक्वल टू 8, 3 - 2 इक्वल टू 1/8, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ क्लोजनेस 1 हो जाएगा, 1 इज, एक ये हो गया और दूसरा 3/8 टू 1/8 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे दोनों का डिनोमेटर सेम है, तो सेम करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे बड़ा कौन है, बड़ा यही है, क्योंकि ऊपर में बड़ा है तो वही बड़ा होगा। तो यहाँ पे 3/8 माइनस 1/8, इसको माइनस कर देते हैं, तो यहाँ नीचे में 8 हो जाएगा और ऊपर में 3 - 1 इक्वल टू, 3 - 1 इक्वल टू 2/8, तो 2 इज डिग्री ऑफ क्लोजनेस, तो 2 इसका डिग्री ऑफ क्लोजनेस हो गया। तो यहाँ पे आप कंपेरिजन कर सकते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो जो छोटा नंबर होता है वही आंसर होता है, मतलब ये क्लोजनेस, अधिक क्लोजनेस हुआ तो ये यही आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या था इसमें फर्स्ट में, तो ये 1/4, तो 3/8 क्लोजर टू 1/4, और ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, इज 5/8 क्लोजर टू 3/4 और 1/4, 5/8 इसके नज़दीक है या इसके नज़दीक है, सेम उसी तरह से बनेगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको पहले पता कर लेते हैं, तो यहाँ पे इक्वल नहीं है तो इक्वल करना होगा, कन्वर्ट करना होगा इसको, डिनोमेटर पहले सेम करेंगे हम लोग, और इसको क्या करना होगा, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम पता चल ही रहा है 8 एलसीएम होगा, तो दोनों में 8 लाना है, तो 5/8 में 8 तो है ही, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो गया 5/8 हो गया, और इसको 3/4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 कितना हो गया, 3 × 2 = 6 हो गया, 6/8 हो गया। बड़ा कौन है, बड़ा ये है, ऊपर में बड़ा तो यही बड़ा, जो छोटा है वही छोटा, तो बड़ा से छोटा को करेंगे माइनस 6, यहाँ पे 6/8 हो गया माइनस 5/8 इक्वल टू 8 और 6 - 5 इक्वल टू 1/8, तो 1 जो है वो डिग्री ऑफ क्लोजनेस हो गया, 1 इज गया। अब सेकंड पार्ट लेते हैं इसका, 5/8 2 ये है, तो सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ भी इसका एलसीएम 8 ही होगा, यहाँ पे कितना हो गया 5/8 इंटू 1 इक्वल टू 5/8, और एक 1/4 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वल टू 2/8, बड़ा कौन है 5/8, तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 5/8 माइनस 2/8 इक्वल टू 8, 5 - 2 = 3/8, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ क्लोजनेस 3 आ गया, 3 इज ये हो गया, तो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ 3 हो गया और यहाँ 1 हो गया, इसका मतलब है कि ये ज़्यादा क्लोज है, यहाँ पे ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये ज़्यादा क्लोज है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/8 क्लोजर टू 3/4, 3/4 ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया, लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर का बचा हुआ है, ये है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है ये, 1/4 क्लोजर टू 5/6 और 1/3 किसके नज़दीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग सेम नहीं है, इसको सेम करना होगा, कन्वर्ट करते हैं, इक्वल डिनोमिनेटर इसको करते हैं, यहाँ पे 4/6 को क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4/6 ये 2 हो गया, 2/3 इससे ज़्यादा होने वाला नहीं है, कितना हो गया 4 × 4 = 12, तो 12 बनाना होगा इसको, यहाँ पे 4, इसको 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 12 आ रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 कितना हो गया 3/12, और एक यहाँ पे 5/6 है, इसको 2 से करना पड़ेगा, 2 तो 10/12
सिक्स हो गया, 10/12 हो गया, 6 2 12। अब यहाँ पे बड़ा कौन है, बड़ा ये है, तो 10/12 -3/12 इक्वल टू 12 हो गया नीचे, 10 - 3 बच गया 7, 7/12। इसका मतलब है कि 7 इज डिग्री ऑफ, हो गया एक पार्ट निकल गया। अब दूसरा पार्ट लेंगे 1/4 टू 1/3, यहाँ भी सेम डिनोमिनेटर नहीं है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इन दोनों को एलसीएम अगर लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, 3, ये कुछ होने वाला नहीं है, 2 हो यहाँ 2 रहेगा और यहाँ पे 3 रहेगा, और इसको 2 से लेते हैं यहाँ 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 रह जाएगा, तो 2 2 4 हो गया, और 4 3 12 हो गया, यहाँ भी 12, तो दोनों में 12 आ जाएगा 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 4 3 12 होता है, तो 3 1 3 हो जाएगा और यहाँ 12 हो गया, और एक 1/3 इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 4 1 4 और 3 4 12 ये हो गया। तो बड़ा कौन है, बड़ा ये है, तो इससे माइनस करते हैं, 4/12 -3/12 इक्वल टू 12 हो गया, और यहाँ 4 - 3 तो 1/12, इसका डिग्री ऑफ क्लोजनेस 1 हो गया, 1 इज। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये छोटा है, ये कम है और ये ज़्यादा है, यहाँ पे क्लोजनेस बहुत दूर हो जाएगा, यहाँ पे नज़दीक होगा। इसका मतलब है कि 1/4 क्लोजर टू 1/3 ये आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 30 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं रहा होगा। अगर हमारा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हमारे चैनल में इसी तरह का बहुत सारी वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट के आते रहते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।